अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज मैं बना रही हूँ लबे शीरी, जो बनाने में बहुत ही आसान और सिंपल है, लेकिन ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी को। मैंने इसके लिए लिया है 2 लीटर दूध, और उसको मैंने उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब जितनी देर में दूध में उबाल आएगा, उतनी देर में हम जो है कस्टर्ड के लिए कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर जो है वो रेडी कर लेते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 12 खाने के चमचे कॉर्नफ्लोर और आधा कप दूध। अब हमने दूध को और कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो है कोई भी लम्स जो है वो रह ना जाए। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसको हमने दूध में ऐड करना है। अब आप देखें कि दूध में जो है वो उबाल आना शुरू हो गया। अब इस टाइम पे हम कॉर्नफ्लोर का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो हम दूध के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे ही हमने मिक्सचर जो है दूध के अंदर ऐड किया था, हमने साथ ही हैंड बीटर के साथ दूध को अच्छी तरह से बीट कर लेना, ताकि कोई लम्स जो है वो दूध में बन ना जाए। इसको हमने अब 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। पकाने के जब 3 से 4 मिनट तक ये दूध अच्छी तरह से पक जाए, तो उसमें फिर हमने 1 कप जो है वो चीनी ऐड करनी है। चीनी ऐड करने के बाद हमने दूध को अच्छी तरह से दोबारा बीट करना है, और फिर 3 से 4 मिनट के लिए पका देना है। ये जो हम कस्टर्ड रेडी कर रहे हैं, इसको हमने बहुत ही दरमियानी आंच पर पकाना है, तेज़ आंच पर नहीं पकाना। और आप इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो भी चेक कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जो कस्टर्ड है वो थिक ना हो। कस्टर्ड जो है वो रेडी हो गया। अब मैं चूल्हा जो है वो बंद करके इसको ठंडा करने के लिए रख दूँगी रूम टेम्परेचर पर। जितनी देर में कस्टर्ड जो है वो ठंडा होगा, उतनी देर में हम जेलीज जो हैं वो रेडी कर लेते हैं। मैंने 2 तरह की जेली यूज़ की हैं, एक बनाना और दूसरी स्ट्रॉबेरी। सो पहले जो है मैं बनाना जेली जो है वो रेडी कर रही हूँ। इसके लिए लिया था मैंने 2 कप पानी, और जैसे ही पानी में उबाल आने लगे अच्छी तरह से, उसमें हमने जेली पाउडर का जो मिक्सचर है वो हमने ऐड कर देना है। आप देख सकते हैं जेली जो है वो बहुत अच्छी तरह से पक गई है। अब हम इसको किसी भी डिश में डाल देंगे और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली जो है वो भी हम बिल्कुल ही सेम तरीके से तैयार करेंगे। दोनों जेलीज को आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, और वो भी रूम टेम्परेचर पर। हम लबे शीरी के लिए पास्ते की जो सेवइयाँ हैं उनको तैयार करेंगे। सो उसके लिए लिया है मैंने 3 कप पानी, और उसको गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। आप देख सकती हैं कि पानी में जो है वो अच्छी तरह से उबाल आ गया, और इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे 1.25 कप जो है पास्ता की जो सेवइयाँ हैं वो ऐड कर देंगे। सेवइयों को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से पका लें। आप देख सकते हैं कि सेवइयाँ जो हैं वो मुकम्मल तरीके से पक गई हैं। अब हम इसको किसी भी छाननी में डाल के इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे, और इसको भी ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। देख सकते हैं दोनों जेलीज जो हैं वो सेट हो गई हैं रूम टेम्परेचर पर। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, और साथ ही ये जो कस्टर्ड है ये भी ठंडा हो गया है। अब हम इसको और ज़्यादा ठंडा करने के लिए अब हम इसको भी 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। देख सकते हैं कस्टर्ड जो है वो मुकम्मल तरीके से ठंडा हो गया हुआ है। अब मैं इसमें सबसे पहले बीटर के साथ जो है वो अच्छी तरह से बीट करूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फ्रूटिन का जूस, जो कि मैंने लिया है 1/2 कप। जूस डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से बीटर के साथ जो है वो मैं मिक्स कर लूंगी।
अब मैं इसमें ऐड करूँगी पास्ता की जो सेवइयाँ मैंने तैयार की थी वो डाल के हम अच्छी तरह से जो है उसको मिक्स कर लेंगे। बाद मैं इसमें ऐड करूँगी फ्रूटिंग जो कि मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप। फ्रूटिंग डालने के बाद इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। देख सकती हैं जेलीज जो है प्रॉपर तरीके से सेट हो गई हैं। अब मैं इनको क्यूब्स के फॉर्म में काट कर और कस्टर्ड में जो है वो ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी जेली जो थी वो मैंने साइड पे छोड़ दी थी ताकि ऊपर जो है वो गार्निश करने के लिए। तवे शीरी को मैंने एक बाउल में निकाल लिया था और उसको मैंने थोड़े से फ्रूटिंग के साथ और जो रिमेनिंग जेली थी उसके साथ मैंने गार्निश कर दिया है। लीजिए लबी शीरी जो है वो रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।